कल की नहीं, बात परसों की है। हमने ली थी कसम दोस्ती के लिए, आज कल की नहीं। सनी मेरा बेटा है, मेरा। उसके हर गम हर खुशी में शरीक होने का सिर्फ मुझे अधिकार है, मुझे। उस सड़ी गली झोपड़पट्टी में रहने वाली औरत को नहीं जिसे वो अपनी मां कहता है, ना तो उस विजय को है जिसे अपने भाई से बढ़कर समझता है। मैंने आज तक उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने दुनिया की हर खुशी अपने बेटे के लिए खरीद खरीद कर इस महल में सजा दी है। उसकी जीत की खबर सुनकर उसे गले लगाकर मुबारकबाद देने के लिए बेचैन हो गया हूं मैं, और तुम लोग उसे ला नहीं सके, क्यों? देखो, मैंने सनी के लिए पार्टी अरेंज की है। इस शहर के बड़े बड़े इज्जतदार लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, क्या जवाब दूं उन्हें मैं? कहां है वो? सर, सनी साहब जीत की खुशी की पार्टी विजय के घर मना रहे हैं। जाओ, जैसे भी हो सनी को यहां लेकर आओ, फौरन। मुझे सनी चाहिए इसी वक्त, यहां। जाओ, जीते रहो बेटे, ले। बेटा, भगवान करे तू खूब नाम कमाए, बहुत कामयाबी मिले तुझे। लेकिन तेरी इस कामयाबी को देखकर खुश होने का अधिकार हमसे पहले तेरे पिता का है। सबसे पहले तुझे वहां जाना चाहिए था। हाँ बेटे, हम जानते हैं कि जब से तुमने होश संभाला है तुम्हारे और तुम्हारे पिता की कभी बनी नहीं, मगर बेटे की नफरत चाहे जितनी बड़ी हो, वो बाप के अरमानों के सामने हमेशा छोटी ही होती है। ये जानते हुए किसानी के पिता का अरमान सिर्फ नाम और दौलत कमाने के सिवाय कुछ नहीं रहा, आप मुझे वहां जाने के लिए कह रहे हैं, यही जानते हुए कि बरसों पहले दौलत के खातिर उन्होंने मेरी बीमार और तड़पती मां की परवाह नहीं की, आप मुझे वहां जाने के लिए कह रहे हैं? मां तो इस दुनिया से चली गई और सनी सोने के पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह तड़पता रहा। मां का प्यार मांगा तो एक आया खरीद कर दी गई, पिता की तमन्ना की तो नौकर लगा दिए गए। उनको तो किसी भी तरह सनी को पाल पोस कर बड़ा करना था, क्योंकि उनको बेटा नहीं चाहिए था, अपनी दौलत को संभालने के लिए एक भरोसेमंद वारिस चाहिए था। वारिस, माँ की मोहब्बत, बाप का अरमान, भाई और बहन का प्यार तो मुझे इस छत के नीचे मिला। अगर आप लोग मेरा साथ न देते तो न जाने आज सनी जिंदा होता या नहीं। बेटे, ऐसा नहीं बोलते। तुम लोगों ने अंदर आने की हिम्मत कैसे की? आपकी जीत की खुशी में बड़े साहब ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, आपको अभी और इसी वक्त बुलाया है। जाकर कह दो मेरे पास वक्त नहीं है। आपको हमारे साथ चलना ही होगा, वरना क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? गर्दन उड़ा दोगे? कसीट कर ले जाओगे? क्या करूं, गुलाम हूं तुम्हारे बॉस का। गेट आउट, आई सेड गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। क्या कर रहे हो तुम? इसमें उनका क्या कसूर है? तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सनी, तुम मुझे मां कहते हो ना, तुम्हें मेरी कसम, जाओ। आओ सनी बेटे, आओ, वेलकम, बहुत बहुत मुबारक हो। आओ, मैं तुम्हें अपने दो
आपका ये प्यार करने का घटिया तरीका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या मतलब? इन किराए के टट्टुओं को गुंडों की तरह वहां भेजकर आप मुझसे मतलब पूछ रहे? खाली हाथ क्यों भेजा आपने उन्हें? बंदूकें भी दे दी होते हाथों में। देखो बेटे, जो शिकायतें तुम्हें मुझसे हैं कभी और भी कही जा सकती है। आज तो खुशी मनाने का मौका है। देखो आज तुम्हारी जीत में मैंने कितनी बड़ी पार्टी दी, कितने बड़े बड़े लोग। तो क्या करूं मैं? तो क्या करूं मैं? जबरदस्ती इन लोगों के साथ हंसू हैं? इनकी जूती तारीफें सुनू? इनसे हाथ मिलाओ? हाथ मिलाओ ना। ओके, हेलो 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 एवरीबॉडी कम ऑन। बस बस हो गई आपकी पार्टी। पिताजी, मेरा दिल जीतने के लिए आप कुछ भी कीजिए, मगर मैं उन गरीब लोगों को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इन खुदगर्ज लोगों की वजह से ही आपने मेरी माँ को अपनी मतलब की सूली पर चढ़ाया था। वो चंद सांसें गिन रही थी, और आप डाउट, अगर वो नहीं होते ना तो मैं आज मर चुका होता। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं उन गरीब लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मिस्टर गुजराल, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आपसे ज्यादा दौलतमंद है। हाँ, ज्यादा दौलतमंद। मिस्टर सनी, जिस दोस्त के लिए तुम इस महान आदमी को जलील करना चाहते हो, तुम उस दोस्त की औकात को नहीं जानते। ऐसे लोग सिर्फ चमचे होते हैं, सिर्फ चमचे। मेरे दोस्त को गाली देता है, मेरे दोस्त को गाली देता है। सनी, क्या कर रहे हो तुम बेटे? क्या गाली? वही जो आप नहीं कर सकते। मेरे दोस्त को गाली देता है, सनी के दोस्त को गाली देता है, कुछ कुछ चमचागिरी करके कुर्सी पर बैठता है और मेरे दोस्त को गाली देता है। संभाली अपने धमके को। सनी बेटे, बास्टर्ड, बात सुनो सनी, प्लीज लिसन। आई एम सॉरी, मेरे बेटे ने आपको सारी रात मैं तुझे ढूंढ रहा था। अरे यार, मेरा घर नहीं है क्या जो तू यहाँ आके सो गया? अबे वो सब छोड़ यार, वो देख। वो कुत्ती कितनी क्यूट है, चाहिए क्या? कुत्ती कुत्ती क्या, वो लड़की यार, लड़की कितनी खूबसूरत है यार। शीशो गॉर्जियस यार, पहली नजर में दिल में उतर गई। अल्लाह यार, मुझे अल्लाह। सनी, तुझे वो लड़की पसंद है? पक्का 100%? अरे यार, आज मैं बहुत खुश हूँ, तू यही रुक, मैं अभी से पटाखे लेके आता हूँ। जल्दी जा। अरे जल्दी जा, निकल जाएगी। हेलो 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 मिस, नो प्रॉब्लम, B240 गाड़ी के नंबर से RTO, RTO से एड्रेस, एड्रेस से घर। किसे मिला आपको? आप कौन है? मुझे अमरनाथ कहते हैं। गजेंद्रनाथ जी, देखिए देखिए, मैं सिर्फ जवान और खूबसूरत नहीं, अनाथ भी हूँ। इस जमाने के कांटों भरे हाथों से बच्चे बचाते मैं अपनी फूल जैसी नाजुक जवानी गुजार रही थी, कि अचानक रंजीत की तरह अपने प्यार के जाल में फंसाकर शक्ति कपूर जैसे नौजवान ने मेरी इज्जत लूट लिया और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। देखिए, मेरा नाम गजेंद्रनाथ नहीं, अमरनाथ है। मुझे पता है, वो आप ही का बेटा है। मेरा बेटा? देखिए, आपको गलत फहमी हुई है, मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है, मेरी सिर्फ एक बेटी है। राजेंद्र जी, आप बदनामी के डर से बोल रहे हैं।
आपके बेटे ने तो शाहरुख खान से भी बदतर सलूक किया मेरे साथ, और इस बात का गवाह सारा सारा सिटी कॉलेज है। मैं जूही चावला जैसी मासूम कली क्या करती, और उसकी डर से कब तक इस पाप को मैं छुपाऊंगी? आप ही मुझे बचाइए ना। hey, देखो ना, मेरा कोई बेटा है और ना वो सिटी कॉलेज में पढ़ता है। मेरी इकलौती बेटी है और वो नेपच्यून कॉलेज में पढ़ती है, और उसका नाम प्रिया है। अब तुम जा सकती हो, यू कैन गो नाउ। प्रिया नेपच्यून कॉलेज, थैंक यू। सचमुच पागल हो जाऊंगा यार, देख 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 मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। हा? धड़क रहा है ना? हाँ। अरे यार, उस लड़की के बारे में बताकर तूने मुझे नई जिंदगी दे दी यार। विजय, मैं तो पागल हो जाऊंगा यार, समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं आज ही नेपच्यून कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ। हाँ, ये देख, ये कुछ पैसे माँ को दे देना। ओके, ठीक है। बेटे, एडमिशन फॉर्म में माँ का नहीं बाप का नाम लिखा जाता है, इसे करेक्ट कर। ये करेक्ट है, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे मेरे बाप के नाम से पहचाने। तब तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिल सकती। वजह जान सकता हूँ? एक नहीं, कई वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि इस फॉर्म पे ना तो तुम्हारे पिताजी का नाम है और ना ही उनके हस्ताक्षर है, सिग्नेचर्स। दूसरी वजह यह है कि उस कॉलेज को छोड़कर इस कॉलेज को ज्वाइन करने की तुमने कोई वजह नहीं लिखी। और तीसरी वजह यह है कि एक स्टूडेंट होने के बावजूद तुम्हें यह नहीं मालूम कि किस वक्त किस नाम की क्या अहमियत होती है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? प्रोफेसर नाग, आपको नहीं मालूम कि सुनील इज अ बॉक्सिंग चैंपियन। इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बेटे, तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, तुम घर जाओ, कल से कॉलेज ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, थैंक यू सर। ये आपने क्या किया सर, क्या किया? प्रोफेसर नाग, आप इसे नहीं जानते, ये मिस्टर गुजराल का बेटा है। एडमिशन फॉर्म पे इसकी माँ का नाम पढ़ते ही मैं इसे पहचान गया था। कॉलेज बंद हो जाए इससे तो बेहतर है कि हम इसे एडमिशन दे दें। इस कॉलेज में तुम्हारी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी, समझे? देखो, मैं अंधी नहीं हूँ, सब देख रही हूँ कि तुम लोग किस तरह इस कॉलेज में सब ड्रग्स फैला रहे हो। ए लड़के, हम पर किचड़ छाने से पहले सबूत लेके आए। सबूत? सबूत तो क्या, सबूत के साथ पुलिस को भी यहाँ ले आऊंगी, समझे? ए लड़के, ये पुलिस की धमकी किसी और को देना, चल। धमकी तो तुम जैसे गुंडे देते हैं, मैं तो सिर्फ एक वार्निंग दे रही हूँ। And mind you, this is my last warning to you. चल चल हवा दे दो। क्या बात है? विजय, ओ विजय, क्या? फोन है, फोन। किसका? सनी का। सनी? लंबा बोला ना तेरे को तो कटिंग दे। तीन नंबर टेबल में कटिंग दे। हेलो सनी, प्रिया से मिला? बात की? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बात करने की। अरे यार, तू उल्लू का उल्लू ही है, पीछे पड़ जा, छोड़ मत। वो जहाँ जहाँ जाती है तू वहाँ वहाँ जा। अरे यार, तू बॉक्सिंग रिंग में अच्छे अच्छे को चित कर देता है, एक मामूली सी लड़की से बात नहीं कर सकता। अबे तू क्यों भड़क रहा है यार, मिलने का मौका मिले तब ना। वो भी यार बहुत गुस्से में थी, स्टूडेंट्स को बॉस की तरह डांट रही थी, कुछ ड्रग्स वग्स के बारे में बात करी थी। क्या? हाँ यार, ड्रग्स। अब ये ड्रग्स का क्या चक्कर है? मुझे क्या, मेरे बाप को भी नहीं पता। बच्चा नहीं हूं मैं, सब जानता हूं। बाप हूं मैं ब्राउन शुगर की दुनिया का, सब खबर रखता हूं। तुम लोग काम में बिल्कुल चालाकी नहीं बरतते। अगर कभी गलती से भी पुलिस के हाथों लग गए ना, तो हम तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे। और नेपच्यून कॉलेज, नाम बड़े और दर्शन खोटे, नाम है अर्जुन और अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि एक लड़की दीवार बनी हुई है, चाहता था तो इस दीवार को बहुत पहले गिरा देता, लेकिन ये कॉलेज में मुमकिन नहीं है, सारा कॉलेज उसके साथ है। कॉलेज के बाद तो वह अकेली होगी।
परेशानी, आवाज नहीं आए घुसा दूंगा। क्यों बेबी, कॉलेज सुधारोगी? चलो अभी से शुरुआत कर लो, चलो। ये कहां गई? The main aim of this book is to give an account of the Britain history from the turn of the century to the present day. During the 20th century, Britain had changed from the world's greatest imperial and economic power into a relatively poor member of the world.
धड़कन तेरी बेताब है, जाने मन में तेरा करार हूँ। तुमसे मिलने को मैं बेकरार हूँ, तुमसे मिलने को मैं बेकरार हूँ, तुमसे मिलने को मैं बेकरार हूँ, तुमसे मिलने को मैं बेकरार। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, सपने देखना बंद कर, वरना प्रिया सिर्फ तेरे सपनों की रानी बनकर रह जाएगी और हकीकत में उसे दूसरा कोई उड़ा ले जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं यार? देख, तेरा प्रॉब्लम यह है कि तुम दोनों अलग अलग क्लास में पढ़ रहे हो, इसलिए तेरा करंट उसे ठीक से नहीं लग रहा है। अगर प्रिया के दिल में तेरे प्यार का बल्ब जलाना है तो फिर सीधा उसके क्लास में घुस जा। यार घुस जाऊं? घुस के अंधे की तरह इधर उधर मत देखना, सीधा जाके लड़की के पीछे बैठ जाना। मगर यार कुछ लफड़ा वफड़ा हुआ तो? अरे यार तेरा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पे, तो घुस जा। अरे यार गुस्सा क्यों होता है यार, फर्स्ट टाइम आना यार। ठीक है जाता हूँ, ओके बाय। गैट इज द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो व्यापार से संबंध रखता है। दुनिया के 123 देश इसके सदस्य हैं। इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी ये यूरोप में हुई थी और यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन वाज द हेड ऑफ द डेलीगेशन। हमारे देश ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया था और हमारे देश को रिप्रेजेंट किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप में से ऐसा कौन है जो मुझे इसके बारे में बताएगा? एनीवन? नहीं नहीं, तुम नहीं राजेश, तुम हमेशा बोलते हो। नहीं तुम भी नहीं। हाँ प्रिया तुम बोलो। तुम? तुम इस क्लास में क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम इस क्लास में क्या कर रहे हो? मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, मैं जहां भी बैठूं मेरी मर्जी। गेट अप, गेट अप। माना कि तुम्हारे पिता का इस कॉलेज में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन यह कॉलेज तुम्हारे पिता का नहीं है। यहां के कुछ कायदे हैं, कुछ असूल हैं। निकलो यहां से और अपनी क्लास में जाओ।
और अगर ना जाओ तो? तुम जैसे बदतमीज स्टूडेंट के साथ किस तरह पेश आना चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के अपनी क्लास से निकाल दूं, चले जाओ यहां से। गेट आउट। धक्का देना तो दूर की बात है, जरा छू कर तो देखा। ए, ए, प्रोफेसर! प्रोफेसर नाग ने थप्पड़ तेरे मुंह पर मारा, मगर दर्द मैंने महसूस किया। मेरा जी चाहता है कि उसे बीच चौराहे पर लाकर तेरी बेइज्जती का बदला लो, तभी मुझे सुकून मिलेगा। नहीं, नहीं, उसे तो बीच चौराहे पर लाकर गोली मार देनी चाहिए। नहीं सनी, नहीं। अगर वो मर गया तो उससे बदला कैसे लूंगा? उसे जिंदा रहना चाहिए और तेरे सामने सर झुकाना चाहिए। उसका पूरा बंदोबस्त मैं करूंगा, तब तक तो कोई गलत कदम नहीं उठेगा। जी आपका बटुआ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है साहब, ये तो इंसानी फर्ज है। जरा ठहरो। जानते हो उस बटुए में कितने पैसे हैं? मेरे पूरे महीने की तनख्वाह है। एक काम करो, कुछ रुपए हैं रख लो। नहीं साहब, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं। अरे भाई रख लो, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम काफी परेशान हो और शायद बीमार भी हो। इन्हें रख लो, दवा के काम आएंगे। साहब, मेरी सबसे बड़ी बीमारी है मेरी गरीबी। इस गरीबी का इलाज है पढ़ाई। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। बस यही उम्मीद लेकर मैं इंदौर से चलकर यहाँ तक आ गया, ताकि किसी न किसी कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए। लेकिन कमबख्त मेरा नसीब। चलता हूँ साहब। रुको रुको, एडमिशन चाहिए? ठीक है, ये मेरा कार्ड लो, कल इस कॉलेज के पते पर आ जाना। ओके, तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये रुपए लो। अरे भाई रख लो इन्हें, जब पढ़ाई लिखाई करके तुम्हें नौकरी मिल जाए ना, तब मेरे पैसे वापस कर देना। ओके, शुक्रिया साहब, थैंक यू। अरे ये ले। ये क्या है, सिर्फ 100 रुपया? अरे मेरे लिए भी कुछ रहने दे भाई, चल चल, कल कॉलेज जाना है। सॉरी, मैं इस कॉलेज में नया हूँ, इसलिए किससे टकराना है? किससे नहीं अभी मालूम नहीं, जल्दी सीख जाऊंगा आपकी दया से। See you. अजीब आदमी है। तुम क्यों रे छोरे, इधर खाने से पहले मुजरा दिखाएगी क्या? Shut up, officer, do your duty. ए शानी, ये कौन रे? फूड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से आए हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर?
साला अपुन के कॉलेज कैंपस में इसका क्या काम रे? ए! किसे बुलाया इसे? मैंने। तुमने? हाँ मैंने। मेरे पास स्टूडेंट्स के कंप्लेंट्स आए थे। यहाँ अच्छे खासे दाम लेकर घटिया खाना सप्लाई किया जाता है। खाने पीने की चीजों के आड़ में ड्रग्स का कारोबार चलता है। इन्हीं चीजों की तहकीकात करने ऑफिसर यहाँ पर आए हैं। ऑफिसर डू योर ड्यूटी। देखो हर चीज एक प्लेट निकालो अलग अलग। What is this nonsense? ये टेस्ट करके देखिए सर। ओह अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आई एम सॉरी मिस प्रिया, आपका ख्याल गलत निकला। किसी चीज में कोई मिलावट नहीं है, मैंने सब चेक कर लिया है। ये कैसे हो सकता है? इस कैंटीन का खाना खाकर तो अक्सर स्टूडेंट्स बीमार पड़ जाते हैं। और आप कह रहे हैं? What do you mean? आप मेरे एक्सपीरियंस को चैलेंज कर रही हैं? जब मैं कह चुका हूँ कि किसी चीज में कोई मिलावट नहीं है, सब ठीक ठाक है, और ये सर्टिफिकेट इसी चीज का दिया जा रहा है। ये लीजिए। थैंक यू ऑफिसर, आपने इस कागज पर दस्तखत करके ये साबित कर दिया कि खाने में मिलावट हो ना हो, मगर आपकी ईमानदारी और कैरेक्टर में मिलावट जरूर है, और ये है उसका सबूत। ये तो मेरे हैं। हाँ 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 आप ही के हैं, मगर कितने हैं? कुछ पता नहीं कितने हैं। अफसोस है, इतने बड़े और जिम्मेदार अफसर होकर चंद रुपयों के लिए इन सब स्टूडेंट्स की मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। ना ना ना, शर्म तो हमें आनी चाहिए, क्योंकि हम में वो कायरता भरी हुई है जिसका फायदा उठा रहे ऐसे गुंडे और ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारी। ये सरकारी कागज मेरे हाथ में है और तुम्हारे हाथों में है आने वाले कल की नई सुबह। इससे पहले कि सबूत मिटा दिया जाए, खाने पे कब्जा कर लो और ले चलो फॉरेंसिक लैब, जहां पानी खुद बोलता है कि मैं दूध में कितना हूं। व्हाट इज ए बॉय, यू आर राइट, चलो कब्जा कर लेते। थैंक यू वेरी मच विजय। विजय सक्सेना, मगर थैंक यू किस बात का? गूंगी जुबानों को आवाज देने का। मैंने क्या किया? बगावत का फिता जलने के लिए तैयार था और तुम चिंगारी बनकर मेरे सामने आ गई। मैंने दोनों का मिलाप करा दिया, बस छोटी सी तो बात है। तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है, छोटी छोटी आवाजों को बा आवाज कर दिया। थैंक यू वेरी मच, सी यू। साले लीडर बनेगा, भाषण देगा, अब दे भाषण फटी। क्यों आवाज फट गई ना? अरे मेरे बाप की नाजायज औलाद, सुधर जा। Thank you.
तुमने जो करना था कर दिया। अब बाकी का काम एंटी ड्रग स्क्वाड के इस ऑफिसर को करने दो। इज अर्जुन, प्लीज अरेस्ट हिम। प्रोफेसर, क्या किया मैंने? तुमने जो किया है फॉर्सनिक लैब की रिपोर्ट बता रही है, और कॉलेज के कैंपस में ड्रग का कारोबार करने की सजा क्या होती है ये तुम्हें अदालत बताएगी। ये लीजिए, ले जाओ। साले, तुझे अपनी नौकरी और जिंदगी प्यारी नहीं है? एम्बेसडर, याद रखना, अर्जुन से टकराने का अंजाम है महाभारत, याद रख। वेल डन विजय, एक दिन बहुत ऊंचाई तक जाओगे तुम। ये क्या है, ये तो पहली सीढ़ी है आप तक पहुंचने के लिए। मेरा मतलब आपकी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। पैर चलो। नहीं, होलिया ठीक कर लो। सॉरी, टकराएंगे नहीं? नहीं, आज के बाद कभी नहीं, क्योंकि हमें जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है अकेले। हाँ, जब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं तो फिर अगर आप हमें अपने काबिल समझे तो आप तो फिर हम आपसे सिर्फ एक बार नहीं, हजार बार आप ही से टकराएंगे। कैसे? हाय विजय। पहचान लिया? पहचान लिया, तेरे दिल के हर धड़कन को पहचानता हूं मैं। हाँ हाँ, वो सब ठीक है। घर में बियर पी रहा है? कल तक अंकल से झगड़ा करता था, अब उनकी मौजूदगी में घर में बियर भी पीने लगा। वाह, वेरी गुड। तू जानता है विजय, मैं उसी वक्त घर में रहता हूं जब मेरा बाप घर में नहीं रहता। खैर वो सब छोड़, कॉलेज का क्या रिपोर्ट है? हाँ, नए जीएस के लिए कॉलेज में एक मीटिंग होने वाली है, तू देख ले सनी, नया जीएस विजय ही बनेगा। That's like a good boy. विजय, ये कौन विजय जिसने अर्जुन को अरेस्ट करवाया? आपके बेटे का दोस्त। दोस्त? वो उसके कॉलेज में क्या कर रहा है? वो दोनों उसी कॉलेज में पढ़ते हैं सर। उसी कॉलेज में? अगर आप बोले तो साले चमची घोड़ा दो। नहीं, तुम लोग उस कॉलेज की तरफ से गुजरोगे भी नहीं। और सुनो, कुछ दिनों के लिए उस कॉलेज में ड्रग्स का कारोबार बंद कर दो। मैं देखना चाहता हूं वो दोनों मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, तुम सब जानते हो कि अर्जुन को इस कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया गया है। अब तुम में से ऐसा कौन है जो तुम सबको सही रास्ता दिखा सकता है, जिसमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत हो? सोचो। यस प्रिया, डू यू सजेस्ट एनी कैंडिडेट? नो सर, ओनली विजय। व्हाट? विजय। गुरुजी, गुरुजी, मैं तो अंदर से पैदल आया था, मुझे आप क्या बना रहे हैं? जीएस? नहीं नहीं नहीं, जीएस नहीं बन सकता, मैं तो नया हूँ, मुझे जीएस बनकर क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे तो मालूम ही नहीं। लेकिन मुझे सब कुछ मालूम है। क्या? यही कि तुम्हें सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओ। हमें पूरा यकीन है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दोगे और इस कॉलेज का सर ऊंचा उठाओगे, और फिर तुम्हें मुझ तक पहुंचना भी तो है। धन्य हो गुरुजी, आप तक पहुंचने के लिए मुझे जिन सीढ़ियों की तलाश थी आप मेरे लिए खुद बना रहे हैं। मैं आपके चरण छूकर इस जिम्मेदारी को अपने सर पर ले लेता हूँ। Get it!
Benissimo ma me trafi Schiave, schiave, schiave Mujha hapa mis, mupa mi mikis Atante What? Mujhko hai sab kuch pata Sun to zara, sun to zara तो जीएस बन गया। थैंक यू। अरे सनी तुझे पता है सारे स्टूडेंट्स मेरी मुट्ठी में, अब मैं जैसे कहूंगा वो लोग वैसे ही करेंगे। अब देख उस प्रोफेसर नाग को, आड़े हाथ लेकर मैं कैसे तेरा बदला लूंगा। तेरे सामने सर झुकाकर माफी मांगने पर उसे मजबूर कर दूंगा। अरे यार मैं जानता हूं वो काम तो तू जरूर करेगा, लेकिन एक बात बता, जिसके वजह से उस नाग से दुश्मनी हुई वो कैसी है? सुन, आई मीन प्रिया का कैसी है वो? अबे साले, सुना कॉलेज में बड़ा हंगामा किया तूने कल? बड़े गाने वाने गाए प्रिया के साथ? अरे सनी वो तो सुन, कहीं तुझे प्यार तो नहीं हुआ उससे? अरे कैसी बातें कर रहा यार, यार मैं तो तेरा दोस्त हूँ, वो भी बचपन का, भला मैं तेरे साथ कभी ऐसा कर सकता हूँ? कभी नहीं। अरे यार हंसी मजाक तो कॉलेज में चलता रहता है। अरे भाई जब तक मेरी और प्रिया की जमेगी नहीं ना, तेरा चक्कर कैसे चलाऊंगा? समझ में आया? ये बात तो ठीक है, और वैसे भी मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है यार। मेरा एक काम कर दे, मुझे प्रिया से मिला दे, मैं उसे देखने मिलने और उससे बात करने के लिए बहुत बेचैन हो गया हूं। बस इतनी सी बात? समझ ले तेरा काम हो गया। विजय तुम मुझे बीच पे कहाँ ले आए हो? तुम तो मुझे कोई गिफ्ट देने वाले थे ना? प्रिया आज मैं तुम्हें अपने दिल से मिलाना चाहता हूँ। दिल से? मतलब तुम्हारे पास भी दिल है? मैं तो समझती थी तुम्हारे पास सिर्फ दिमाग है। प्रिया मैं चाहता हूँ कि अपना दिल हमेशा के लिए तुम्हें सौंप दूँ। तो फिर कहाँ है आपका दिल, लाइए। कहाँ रखोगी उसे? अपने सीने में। ये बात है। ओके तो मैं जानती हूँ।
प्रिया, ये सिर्फ मेरा दिल ही नहीं, मेरी जान, मेरा जिगर, मेरे लिए सब कुछ है और एक गलत फहमी का शिकार भी है। हाय। हेलो। आपके दोस्त ने आपको मुझे तोहफे में दे दिया है, जैसे आप दोनों दोस्त, आज से मैं भी आपकी दोस्त। वैसे आप घुड़सवारी बहुत अच्छी कर लेते हैं। मुझे घुड़सवारी का बहुत शौक है और हाँ, आज तक मुझे कोई हरा भी नहीं सका। क्यों बेटे, भूल गए? 5 बार हरा चुका हूँ, अभी भी चैलेंज करता हूँ, हो जाए? हो जाए, लेकिन शर्त क्या है? जो भी यहाँ से उस लाल झंडे तक जाकर वापस आकर पहले प्रिया को छुएगा, प्रिया उसके साथ डिनर पे जाएगी। ओके ओके या डन डन डन, तू वो घोड़ा ले ले, चल कम ऑन कम ऑन। विजय यार कर दे, रुक, कम ऑन। अरे सनी, डिनर में तुझे जाने, मुझे नहीं, हरी अब बात, कम ऑन। विजय, विजय कम ऑन। रुक यार, विजय क्या कर रहा है यार, धीरे चला। विजय, विजय कम ऑन। कम, कम ऑन। अबे विजय, अरे चक्कर मैं चला रहा हूँ या तू? अरे यार, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये तो दम पे आता ही नहीं। अरे कैसे आएगा, तुझे तो घोड़ी पे बैठने की आदत है। अरे यार, ये घोड़ा है, घोड़ा घोड़ी होती तो अभी तक दम पे कर लेता था। अबे विजय रोक दे यार, खींच दे घोड़ा। विजय रोक यार, प्लीज विजय समझने की कोशिश कर यार, कम ऑन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, वेलकम टू हार्ट बीट्स। थैंक यू। प्लीज इस तरफ आइए मैडम, आइए सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम। आफ्टरनून। प्लीज कहाँ बैठना पसंद करेंगी मैडम आप? मगर ये तो सब रिजर्व्ड है। आप ही के लिए रिजर्व किया गया मैडम। मेरे लिए? मगर किसने? इन्होंने। प्लीज जहां फूल हो वहां मुझे कांटे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा मतलब है कांटे, छुरी, चम्मच, उससे शोर बहुत होता है ना, तो मैंने सोचा शायद तुम्हें पसंद ना हो। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं, सिर्फ यही क्योंकि तुम मेरी हो। मेरा मतलब है तुम मेरी खास मेहमान हो ना, और मेहमान अपने होते हैं, और अपनों के लिए सनी कुछ भी कर सकता है। थैंक यू। इन्हें कैसे मालूम ये मेरी फेवरेट डिश है? ये ऑर्डर मैंने दी, दरअसल जो तुम्हारी पसंद है वो मेरी पसंद है। मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा वो तुम नहीं हो, और जो नहीं सोचा वही तुम हो। अक्सर ऐसा ही होता है, आदमी जो नहीं करना चाहता वो करता चला जाता है, और जो करना चाहता नहीं कर पाता। सनी, तुम फिर से कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? सिर्फ एक माफी की तो बात है। तुम कहती हो
तो मैं कॉलेज जरूर रिजॉइन करूंगा, मगर माफी माफी सनी कभी नहीं मांगेगा। इंसाफ हर इंसान को मिलना चाहिए, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन इस स्ट्राइक से गरीब विद्यार्थियों का कितना नुकसान हो रहा है इस बात का एहसास है तुम्हें? सर, स्टूडेंट्स की कमिटी को इस बात का एहसास है, लेकिन शायद प्रोफेसर साहब को नहीं। प्रिंसिपल साहब, जरा आप इनसे पूछेंगे क्या ये इसी तरह कॉलेज में गुंडागर्दी करते रहेंगे, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेलते रहेंगे? क्या ये स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के बदले में उनको तमाचा मार मार कर उनकी बेइज्जती करेंगे? पूछे जरा इनसे। ये एक शरीफ स्टूडेंट है, और फिर इसका कसूर क्या था? यही ना कि वो अपनी क्लास छोड़कर प्रोफेसर नाग की क्लास में जा बैठा, क्योंकि इसको प्रोफेसर नाग का लेक्चर बहुत पसंद है, और जवाब में प्रोफेसर नाग ने उसको चाटा मारा। अरे मैं भी जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ लेक्चर के बदले में चाटा मारा जाता है। यही स्टूडेंट कल अपने देश की आन बन सकता है, शान बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगर लेक्चर के बदले में थप्पड़ खाता रहा तो किसी गांव की पंचायत में प्यून भी नहीं बन सकता। देखिए सर, जिस तरह प्रोफेसर नाग ने सबके सामने चाटा मारा है, उसी तरह सबके सामने माफी मांगेंगे। यही इंसाफ है। मिस्टर नाग, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं सर? कि मैं इस पढ़े लिखे जाहिल का कहना मान लूं, जो मुझे और तमाम स्टूडेंट्स को धोखा देकर हाथों में किताबों की जगह पत्थर लेके निकल पड़ा है? इस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद का कहना मान लूं, जो कॉलेज को पार्क और डिस्कोथेक समझता है? नहीं, हरगिज नहीं सर। नाग सर कटा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों के सामने सर झुका नहीं सकता। क्या यही आपका आखिरी फैसला है? मेरा हर फैसला आखिरी फैसला होता है सर। तो फिर स्ट्राइक जारी रहेगी। विजय मेरी बात तो सुनो, अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? पड़ी हुई है, मैं कहती हूँ ये स्ट्राइक अभी वापस ले लो। मतलब तुम भी यही चाहती हो ना कि मैं स्ट्राइक वापस ले लूँ? जब तक प्रोफेसर नाग सनी से माफी नहीं मांगेगा, मैं किसी की परवाह नहीं करता। पर विजय, और तुम भी सुन लो प्रिया, तुम इस मामले में बिल्कुल चुप रहोगे, जाते हो चलते रहो। प्रोफेसर नाग, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम बात समझते ही नहीं हो। आखिर हम चीज ही क्या है? महीने की तनख्वाह से रोजी रोटी चलाने वाले मामूली लोग। हमारे पास सनी जैसे अमीर और घमंडी लड़कों से निपटने के लिए ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। वेरी गुड सर, वेरी गुड। आप शिक्षा से ज्यादा रोजी रोटी को अहमियत देते हैं। आपसे मुझे ऐसे ही विचारों की उम्मीद थी। अगर आज जैसे और भी प्रिंसिपल स्कूल्स और कॉलेजेस में होने लगे तो कॉलेज तो बहुत दूर की बात है सर। एक गरीब इंसान अपने बच्चे को किसी प्राइमरी स्कूल में भेजने के काबिल भी नहीं रहेगा। प्रोफेसर साहब, रमेश ने अपने स्पोर्ट्स रूम में आत्महत्या करने की कोशिश की है। चलिए सर, जल्दी चलिए। बहुत बुरा हुआ प्रिया, बहुत बुरा। भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा।
प्रोफेसर साहब, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? रमेश को बोलिए ना सर, बताइए ना सर। मेरे बेटे से मिलाइए प्रोफेसर साहब, मेरे बेटे से मिलाइए, मेरे बेटे से मिलाइए। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। अब कैसा है रमेश? नहीं, नहीं, रमेश, रमेश। प्लीज माजी, प्लीज जरा इन्हें संभालिए। माजी अपने आप को संभालिए, कोई मिल नहीं सकता, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या पोजीशन है? यूं तो जहर सारे शरीर में फैल गया था, लेकिन अब खतरे की कोई बात नहीं है। क्या करूं, बच्चे से मिलने तक नहीं दिया। हे भगवान, बचा ले मेरे बच्चे को। क्या हुआ, सर क्यों झुका लिया? तुम्हारा सर तो फक्र से बहुत ऊंचा होना चाहिए। अपनी दोस्ती का फर्ज जो अदा कर दिया तुमने, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इंसानियत का क्या फर्ज होता है। आओ मेरे साथ। ये देखो, इसे अपने जिंदगी से ज्यादा अपने भविष्य की चिंता थी, इसीलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्योंकि ये कॉलेज में पढ़ने के लिए आता था, तुम्हारी तरह आवारागर्दी करने या अपने गुरु को धोखा देने नहीं आता था। देखो इसे, इसकी हालत साफ बता रही है कि इसमें कितना जोश, कितनी लगन है अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने की। और अगर ये मर जाता, ये मर जाता तो उसके बूढ़े बाप के कंधों में इतनी भी ताकत नहीं है कि अपने जवान बेटे की लाश को अपने कंधों पर उठाकर शमशान तक पहुंचा सके। डूब मरना चाहिए तुम्हें शर्म से, डूब मरना चाहिए। जाओ, जाकर सीख कर आओ कि गुरु का रुतबा, उसका मुकाम माँ बाप से कहीं ऊंचा होता है। माँ बाप तो सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन जिंदगी को सही सीधा रास्ता, समाज में एक इज्जत का मुकाम, एक गुरु का तमाचा देता है आदमी को। और अगर उस तमाचे से तुम्हारे दोस्त की बेइज्जती होती है तो मार डालो इसे, मार डालो इसे, और लेना अपने दोस्त की बेइज्जती का बदला। एक तमाचे के बदले एक गरीब की लाश, एक तमाचे के बदले एक गरीब की लाश। दिया, अपने प्रोफेसर होने की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी है मुझे। मेरा स्टेटस, मेरा दर्जा, मेरे किसी विद्यार्थी के भविष्य या उसकी जिंदगी से बड़ा नहीं है। विजय और उसके साथियों से कह दो, ये कल पूरे कॉलेज के सामने प्रोफेसर नाग तनी गुजराल से माफी मांगेगा। सनी गुजराल, मैं तुमसे ठहरिए सर, आप माफी नहीं मांगेंगे। आपने सनी को तमाचा मारकर उसकी बेइज्जती नहीं की सर, एक गुरु होने का फर्ज अदा किया है। एक दोस्त की दोस्ती के खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर उस दोस्ती के लिए मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के भविष्य की कुर्बानी नहीं चाहिए। उस दोस्ती के लिए मुझे एक गुरु का झुकावा सर नहीं चाहिए। सनी ने जो भी गलती की है उसमें मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं। यह हड़ताल गलत है, बेबुनियाद है सर। मुझे और सनी को माफ कर दीजिए, मैं यह स्ट्राइक वापस लेता हूं। यहाँ है अरे सनी, तू यहाँ कब आया? बताया तक नहीं। वहां प्रोफेसर साहब तुझसे मिलना चाह रहे थे। देख, मैंने तेरी तरफ से माफी भी मांगी,
कल से तो कॉलेज जॉइन कर सकता है। यार देख सनी, मैंने बहुत सोचा और बहुत सोच समझ कर स्ट्राइक वापस लेने का फैसला किया। आज मैंने भी एक फैसला किया है। कैसा फैसला? आज के बाद नाग इस दुनिया में नहीं रहेगा। क्या ये कैसे पागलपन है सनी? तू दोस्त है ना मेरा। ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत चाहता है ना तू मुझे, मेरी हर बात मानता है ना तू? ये तो सारी दुनिया जानती है। तो ये ले, नाक को गोली मार दे। नहीं मार सकता ना तू? नहीं मार सकता? क्यों? क्योंकि उसके सामने माफी की भीख मांगा तेरी जय जयकार हुई है। उसके चरणों की धूल चाटकर दरअसल तू बहुत ऊंचा उठ चुका है, कॉलेज का नेता बन चुका है तू। और सनी, सनी को क्या मिला? बेइज्जती, बदनामी, तुझकर? नहीं सनी, तुझे गलत फहमी हुई है। तो फिर ले ना, ले, मार उसे, मिटा दे गलत फहमी। देख, देख सनी, इस वक्त तू बहुत गुस्से में है। तू ये भी नहीं सोच पा रहा कि गुरु भगवान का, अगर गुरु भगवान का दूसरा रूप पता है तो फिर दोस्त क्या होता है? दो दिन कॉलेज क्या नहीं गया, बोला भगवान बन गया तेरे लिए। अरे सनी कुछ नहीं, जिसने आज तक भूख और प्यास को तेरे घर में कदम रखने नहीं दिया, दोस्त सनी तेरे लिए कुछ नहीं रहा। जो दोस्ती के लिए मन मिटने के लिए तैयार रहा, दोस्त सनी तेरे लिए कुछ नहीं रहा। अरे सनी के आस्तीन के जहरीले सांप, अगर इतने एहसान सनी ने किसी कुत्ते पर भी किया होता ना, तो वो भी उस नाक पे भौंकता और इस सनी के सामने तो मिलाता। बोल, जितना बोलना है बोल सनी, मैं तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। बोलना तेरा हक है, सुनना मेरा फर्ज है। आखिर हम दोस्त जो ठहरे। दोस्त मत बोल मुझे, अपनी दोगली जुबान से दोस्त मत बोल मुझे कुत्ते। तू गद्दार है गद्दार, बचपन से लेकर आज तक तूने सनी की दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी भी देख ले। तुम्हारे साथ हो ना हो बेटे, मैं तुम्हारे साथ हूं। सब ठीक हो जाएगा, सब। एनुअल प्रोग्राम की लिस्ट मैं तैयार कर दी, मुझे फाइल दे। आपने सबको चेक कर लिया ना? जी हाँ जी। अरे गुजराल साहब, आप यहां कैसे? मैं इस हरामजादे से मिलने आया हूं। अपने आप को गुंडा समझता है तो? अरे तू प्रोफेसर है या गुंडा? सनी से दादागिरी करता है तू? क्या कह रहे हैं? उसका जीना मुश्किल कर दिया तूने, लोगों के बीच जलील करता उसे। कम से कम ये तो सोचा होता कि सनी मेरा बेटा है, गुजराल का बेटा, गुजराल। मेरे बेटे से खुशियां छीनकर मुझसे नाता जोड़ना चाहता है तू? जी चाहता है तुम्हारा गला दबा कर तुझे मार ही डालूं। गुजराल साहब, गुजराल साहब, ये क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल,
ज्यादा आवाज की ना तो ये कॉलेज कॉलेज नहीं रहेगा, खंडर बना के रख दूंगा इसे। तुम दोनों अपने औकात में रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और प्रिंसिपल, हर प्रोफेसर को वार्निंग दे दो कि वो इस कॉलेज में सिर्फ एबीसीडी पढ़ाए, अगर ज्यादा प्रोफेसर ही दिखाए ना तो जीना हराम कर दूंगा। आपसे गले मिलने का मतलब यह तो नहीं था कि मैं जिस रास्ते पर चलूं आप भी उसी रास्ते पर मेरे पीछे चले। किसने कहा था आपको कॉलेज जाने के लिए? तुम्हारी बेबसी ने, तुम्हारी तड़प ने, तुम्हारी परेशानी ने। किसने कहा मैं परेशान हूं? मुझे कोई परेशानी नहीं। सर उठाकर दुश्मन को एक ही वार में खत्म करने वाला सनी आंख में चोली कब से खेलने लगा है? विजय को जिंदा भी देखना नहीं चाहते और मारते भी नहीं। लगता है आज भी तुम उसे चाहते हो। चाहता हूं, इसलिए तड़पाता हूं। उसे तड़पाते तुम्हारा तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता बेटे। आखिर कब तक चलेगा? जब तक मैं चाहूं और आप बीच में नहीं आएंगे। ठीक है बेटे, लेकिन एक बात ध्यान से सुन, तुम्हारे लिए अगर मैं किसी को मार सकता हूं तो मर भी सकता हूं। चलो आगे, चलो चलो चलो। ये क्या है? अरे ये मेरे डिब्बे में कैसे है? पैर लगे हैं क्या? अपने आप चलकर आ गया। चलो मैनेजर के पास। आप मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ पता नहीं है। ये मेरे डिब्बे में किसने रखा है? आप यकीन कीजिए मैंने ये चोरी नहीं की है। अरे चल चल चल। अरे अरे चल। देखिए आपको जो भी कहना है मैनेजर से कहिए। देखिए देखिए आप मेरी बात सुनिए, देखिए कोई गलत फहमी हो रही है, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। आप यकीन कीजिए मैंने ये सनी। अचानक कहाँ जाएंगे? हमें थोड़े दिन की और मोहलत दे दो, हम आपका एक एक पाई चुका देंगे। सेठ जी, ये तो मैं पिछले 6 महीने से सुनता आ रहा हूँ। तुम्हारा कल और अगला महीना तो आता ही नहीं, अब और इंतजार नहीं होता, हद हो गई है इंतजार की। अरे जल्दी करो। सेठ जी ऐसा मत कीजिए, उनको फैक्ट्री से आने तो दो, आज उनकी पगार का दिन है, जैसे वो आते हम आपके एक एक पाई चुका देंगे। अरे भाई हमको पैसे मिल जाएंगे तो हम ये सामान अंदर रखवा देंगे। मैं आपके सामने हाथ रही है। क्या हो रही है? अरे फेंको, क्या हो रहा है? ये सामान क्यों फेंक रहे हैं आप? अरे रोकिए इन्हें, सुधाइए। ये लोग पैसे मांगने आए हैं, इनको आप अपनी पगार दे दीजिए। वो पगार तो क्या हुआ? नहीं मिली ना, मालूम था उड़ा दी सब जुए में। जबान संभाल कर बात कर। ए, आंखें नहीं दिखाना, नोट दिखाना, नहीं तो हट बाजू। चल चल मेरे पर हाथ मत। तू अपने आप को समझता क्या? अरे मैं कहता हूँ सामान वापस रखो। अगर ये नहीं हो सकता, इन्हें घर से बेघर करके आप सानी के दिल में अपना घर नहीं बसा सकते। आप बीच में मत आइए, बीच में मत आइए आप। ये मेरी लड़ाई है, आपकी नहीं। प्लीज प्लीज, ये आखिरी बार समझा रहा हूं मैं आपको, वरना कल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो विजय, किसने मेरे भाई को हाथ लगाया? आराम साधो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर घुसकर सामान को हाथ लगाने की? हाँ लगा, हाथ लगा, लगो सारे भाड़े के टट्टो, हाथ तोड़कर गले में लगा दूंगा। अरे ओ भाई तू है कौन? क्यों इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं इन लोगों से? क्या लगते हैं ये तेरे? वो मेरी माँ है, वो मेरा भाई।
नुकसानी के होते हुए उसके घर को बेघर कोई नहीं कर सकता, समझे? अरे इनको बेघर करने के लिए अदालत से कोर्ट से कागज लाया हूँ। कोर्ट के कागज थे? अरे अरे थे, समझे? अरे तूने इसको फाड़ दिया, अदालत को चैलेंज कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है। अपने लोगों के लिए सनी किसी भी अदालत को चैलेंज कर सकता है। सनी ने भूख और प्यास को तेरे घर में कदम रखने नहीं दिया। अगर इतने एहसान सनी ने किसी कुत्ते पर भी किया होता ना, तो सनी के सामने तो मिला था। आज के बाद मेरा परिवार किराए के मकान में नहीं रहेगा। ये रहा ब्लैंक चेक, मकान की कीमत भर लेना। हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, समझ गया? समझ गया तू क्या चाल चल रहा है? तेरे रहम और कर्म पर रहने से अच्छा है कि हम लोग फुटपाथ पर रहे। विजय, ये क्या कह रहा है तू? इसके एहसानों का ये सिला दे रहा है तू? माँ, तुम इसकी चालों को नहीं जानती, ये ढोंगी है, ये धोखेबाज है। विजय, माँ मैं देख लूंगा, आप अंदर जाइए। ए सेठ, ये ले चेक, पेपर साइन करके घर पे भेज देना, समझा? हाँ सेठ। ए चलो सामान अंदर रखो। तेरी इसी अदा पर तो मरता था सनी, तुझे मिटाने के लिए तो सिर्फ एक गोली काफी है, मगर नहीं, तुझे बचना है, जिंदा रखना है, हर दिल से तोड़कर तुझे अकेला करना है। गद्दार कैसे होते हैं ये दुनिया को दिखाना है। दोस्ती खुल्लम खुल्ला की थी ना, अब दुश्मनी भी खुल्लम खुल्ला होगी। मजा आएगा, आई लाइक इट। जब भी तुझे गुस्सा आएगा ना, सनी कारों की लाइन खड़ी कर देगा, तोड़ते रहना, और सनी दिल तोड़ता रहेगा। अरे दौलत के नशे में इतना मत झूम सनी, जो दिल तोड़ता है ना उसे ये जमीन भी परा नहीं देती। और जिस दिन तेरे दिल और दिमाग से इस दोस्त की दुश्मनी का नशा उतर जाएगा ना, तब तुझे दोस्त की जरूरत पड़ेगी और उसकी दोस्ती के लिए तड़पेगा। मगर ना तुझे दोस्त मिलेगा ना उसका दिल। उस दिन मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। यहाँ हो और वो भी अकेले, ना दो दिन से कॉलेज आए ना फोन किया मुझे। विजय, विजय मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझते कि मैं तुम्हारा दर्द बांट सकूं? विजय, क्या मैं इतनी गैर हो गई हूँ तुम्हारे लिए? गैर तो मैं हो गया हूँ, अपनी माँ की नजर में, भाई जैसे दोस्त की नजर में, देखते ही देखते बरसों पुरानी दोस्ती मिट्टी में मिल गई, और बदले में मुझे एक नाम मिला, गद्दार। हौसला रखो विजय, सब ठीक हो जाएगा।
अरे तुम दोनों दिल से बहुत अच्छे हो, और जब दो अच्छे दिल टूटते हैं ना तो उन्हें जोड़ने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। इन दो दिलों को जोड़ने का काम मैं करूंगी। सनी की कार के शीशों के जितने टुकड़े हो चुके हैं ना, उससे कहीं ज्यादा टुकड़े हमारे दिलों के हो चुके हैं। टुकड़े चाहे दिलों के हो या शीशों के, उन्हें जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना चोट लग सकती है। विजय, विजय मुझे हर जख्म मंजूर है, मगर तुम दोनों की जुदाई मंजूर नहीं है। प्रिया, प्रिया, तुम आ नहीं जाओगी? हाय। अकेले खेल रहे हो? नाराज हो? घर आए मेहमान को बैठने को भी नहीं कहोगे? ठंडी हवा अगर मेरे कहने से रुक सकती तो मैं जरूर कहता। अरे वाह, हमारी गैर हाजिरी में जनाब शायर भी बन गए और हमें बताया तक नहीं। वैसे दोस्तों को ऐसा धोखा देना अच्छा नहीं। ठंडी हवा, हाउ नाइस। और सुनाओ ना। सुनाने के लिए रखा ही क्या है ये जमीन, दिल जलाने के लिए आसमान, आंसू बहाने के लिए ये जान, उम्मीदों की लाश उठाने के लिए। अंधेरा है, तन्हाई है, और ये शराब कम बुलाने के लिए। लेकिन तुम सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू क्यों देखते हो? दूसरी तरफ देखो, तुम्हें एक दोस्त, हमदम, साथी मिलेगा। कई बार देखा, जो भी मिला बीच रास्ते में ही साथ छोड़कर चला गया। लेकिन मैं तो ऐसी नहीं हूँ, आजमा कर देख लो। तुम जहां तक चलना चाहो साथ चलूंगी, और हाँ, इसे छोड़ना होगा। जब तक तुम साथ निभाओगी, सनी को तुम्हारी हर बात मंजूर है। जाना है प्रिया, थोड़ी देर के लिए तो रुको। सॉरी, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। प्रिया, प्रिया, तुम उससे मिलने उसके घर क्यों गई थी? क्यों गई थी? क्यों? मैं तो उसके गुस्से को कम करने गई थी, मगर ये नहीं जानती थी कि उसके दिल में खोट है। वो खोट नहीं, प्यार है। प्यार? वो तुम्हें दिलो जान से प्यार करता है। ये नहीं हो सकता विजय, कह दूंगी मैं उससे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे। प्रिया, प्रिया, मेरी बात सुनो। प्रिया, 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 मैं कहता हूँ रुक जाओ, तुम उसे कुछ नहीं कहोगी, तुम्हें मेरी कसम। कसम दी है, तोड़ोगी तो मेरा मरा मुंह देखोगी। ऐसी कसम ना दो विजय कि मेरे बढ़ते कदम रुक जाए। तुम्हारे नसीब में यही लिखा है, तुम उसी की रहोगी। विजय, विजय,
मेम साहब, मेम साहब, क्या है? सनी बाबू ने फोन किया था, कह रहे थे आपको सवेरे से ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा आप घर पर नहीं हैं, कह रहे थे आपसे बात करनी है और 8 बजे आपको घर पे लेने आएंगे। जब वो आएंगे उनसे कहना मैं घर पे नहीं हूँ, सहेली के घर गई हूँ बोल देना। अच्छा बोल दूंगी। हाय प्रिया, रेडी? चले प्रिया, जो हरकत मैंने तुम्हारे साथ की उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब भी तुम्हारा बड़प्पन देखो, इतना सब होने के बाद भी तुम मेरे साथ चल रही हो और ये तक नहीं पूछा कि मैं तुम्हें कहां ले जा रहा हूं। प्रिया, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। I'm not afraid to die.
ये क्या कर रहे हैं आप? प्रिया, प्रिया, I'm sorry. प्रिया मुझे गलत मत समझना. ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं. तुम्हें घर से यहां लाने का ऐसा कोई मकसद नहीं था प्रिया. दरअसल मैं तुम्हें अपने डैडी से मिलाने ले जा रहा हूं. सॉरी, मैं तुम्हारे डैडी से नहीं मिलना चाहती. प्रिया, 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 लिसन टू मी, प्रिया, प्रिया. विजय, विजय, तुम्हारे दी हुई कसम ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है. मैं ना जी पा रही हूँ ना मर पा रही हूँ. तुम मुझे अपनाना नहीं चाहते. सनी की होकर रहना मुझे मंजूर नहीं है. मेरी मजबूरियों का सिर्फ एक इलाज है, मैं अपने आप को खत्म कर दूं, मिटा दूं. प्रिया, प्रिया, रुक जा, प्रिया, प्रिया, ये क्या पागल बना? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्रिया, छोड़ दो मुझे, प्रिया, क्यों बचाना चाहते हो मेरी जान? मैं तुम्हारी जान नहीं, सनी की जान बचाना चाहता हूँ. सनी, 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 आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो तुम? ना ही तुम मुझे जीने देते हो, ना ही मरने देते हो. करूँ तो करूँ क्या मैं? बताओ, क्या करूँ मैं? देख लिया सनी, गंदे कीड़े सिर्फ गंदगी फैलाना जानते हैं. वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम प्रिया को चाहते हो, इसीलिए तुम्हारी पीठ में छुरा मारने के बाद अब तुम्हारे दिल पर वार कर रहा है. उसे मिटाने और मेरी पलक झपकने में कोई फर्क नहीं, लेकिन आज वो जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से. बस बेटे बस, और मत तड़पो. उस कीड़े को मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा उस कीड़े को. तुम में से विजय कौन है? मैं हूं विजय. क्या बात है इंस्पेक्टर? चल रहे, नौकर किधर है? चले शारे, मेरे चाबी खोल, नौकर खोल. क्या है ये? साले ड्रग्स का धंधा करता है और होशियार बनता है. क्यों इसे मारे हो? क्या किया इसने? क्या किया इसने? देखो, ये देखो, ड्रग्स का धंधा करता है ये. ऐसा नहीं कर सकता, शरीफ लड़का है ये. अरे हाँ हाँ, मुझे मालूम है ये कितना शरीफ है. प्रोफेसर, जो भी बात करनी है पुलिस स्टेशन में आगे करना. हाथ सही लगाना मेरे स्टूडेंट को. ए! डैडी, 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 डैडी. ओह डैडी, 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 मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गई हूँ. मुझे आपकी मदद की जरूरत है. विजय की जमानत के लिए. अरे वाह डैडी, आप तो समझ गए. आपको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है. हाँ बेटा, लेकिन मुझे जरूरत है, और वो ये कि तुम अगर अपना कीमती वक्त विजय की बजाय अपनी पढ़ाई में लगाओगी तो मेरे ख्याल से रिजल्ट अच्छा रहेगा. इसका क्या मतलब है? आप उसकी जमानत नहीं देंगे? लेकिन डैडी, वो बेगुनाह है और मैं उससे प्यार करती हूँ. बेटा, बचपन में मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, लेकिन मैं कभी अपनी पतंग कटने नहीं दिया करता था. खैर, वो तो पतंग की बात थी, लेकिन तुम तो मेरी बेटी हो. मैं तुम्हारे भविष्य की डोर किसी लापरवाह के हाथ में देकर तुम्हारी जिंदगी की पतंग को कटने नहीं दूंगा. मैंने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है. लेकिन, लेकिन डैडी, ये फैसला करने से पहले आपने मुझसे पूछा तो होता. मोहब्बत करने से पहले क्या तुमने मुझसे पूछा था? देखो, जब कोई लड़का बदनाम होता है तो कहते हैं किसी ने घर से बाहर थूका है, लेकिन जब कोई लड़की बदनाम होती है तो कहते हैं किसी ने बाहर से घर में थूका है. इससे पहले कि कोई मेरे घर में थूके, मैं ये दरवाजा बंद कर देना ही बेहतर समझता हूं. डैडी, डैडी, डैडी! क्या तुम चाहते हो कि हम मुन्नी की शादी कर दें, वो भी कल के कल? हाँ,
लेकिन ये कैसे हो सकता है? विजय जेल में है, हम इतने परेशान हैं और माँ, कल ये परेशानी बढ़ भी सकती है। अगर मुन्नी के ससुराल वाले को पता चला कि विजय ड्रग्स के स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़ा गया है, तो वो ये रिश्ता तोड़ देंगे। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? और फिर उन्हीं के लिए दूसरा रिश्ता मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। लड़का अच्छा है, ससुराल वाले भी अच्छे हैं, शादी के लिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकेगा? लड़के वालों को भी तो राजी करना पड़ेगा। मैं उन लोगों को राजी कर चुका हूँ। क्या? हाँ, आप सिर्फ शादी की तैयारी कीजिए। सनी, तुम तो देख ही रहे हो, हमारी माली हालत कुछ ठीक नहीं है। सनी किस लिए? मुन्नी क्या सिर्फ विजय की बहन है, सनी की नहीं? माँ, मैंने आज तक इस परिवार को अपने से अलग नहीं समझा। मेरा और विजय का झगड़ा एक तरफ, शादी एक तरफ। आप लोग पैसे की चिंता मत कीजिए, सिर्फ शादी की तैयारी कीजिए। क्या? मुन्नी की शादी? अचानक ये कैसे हो सकता है? विजय की इस हालत को देखते हुए आपने फैसला कैसे कर लिया? क्या जल्दी है आपको? जल्दी थी प्रोफेसर साहब, विजय के बारे में सुनकर कहीं मुन्नी के ससुराल वाले उसकी मंगनी न तोड़ दे। इसलिए बेटे, बेहतर होगा कि हम मुन्नी की शादी जल्द से जल्द करा दें। सर, कुछ कीजिए सर, मेरा मुन्नी की शादी में रहना बहुत जरूरी है। हाँ जयंती भाई, क्या हुआ बच्चों की मिठाई का? ठीक है, भिजवा दीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, आराम से जब हो जाए। इंस्पेक्टर साहब सुनिए, क्या है, क्यों दिमाग खा रहे हो मेरा? कल विजय की बहन की शादी तो है। मैं क्या करूं इसमें? बहन की शादी में भाई का होना बहुत जरूरी होता है। इंस्पेक्टर साहब सुनिए, मैं कल से आपसे मिन्नत कर रहा हूं, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए, सिर्फ शादी हो जाने तक। वो वापस आ जाएगा, मैं उसे वापस लाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है छोड़ देते उसे, चलिए। 50,000 है आपके पास? 50,000? हाँ हाँ, जमानत के तौर पर। इंस्पेक्टर साहब, 50,000 हम कहां से लाएंगे? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? इंस्पेक्टर साहब समझने की कोशिश कीजिए। 50,000 पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा जी, आप जाइए शादी की तैयारी कीजिए। डोंट वरी, मैं हूं ना, आप जाइए। आप सर, ये लीजिए, आपके कहने के मुताबिक 50,000 रुपए ले आए। क्या ये? 50,000 जमानत के। क्या 50,000? 50,000 में कुछ नहीं होता, 75 कहा था मैंने, 75। ये क्या कह रहे हैं आप, 75,000? हाँ हाँ, 75,000। कोई पॉकेट नहीं मारी है इसने, स्मगलर है ये, स्मगलर, ड्रग्स सप्लाई करता है ये, इतने सस्ते में छूट जाएगा क्या? पूरे पैसे ले आना, उसके बाद में बात करना प्रोफेसर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, आपने मुझसे 50,000 ही कहा था, अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं आप। अरे इसकी बहन की शादी है, बहन की शादी है, और ऐसे मौके इंसान की जिंदगी में बार बार नहीं आते। तो ठीक है, इसके छूट जाने के बाद में दोबारा इसकी बहन की शादी किसी और के साथ कर देना। तूने मेरी बहन की शादी इसी तरह की थी क्या? राम, क्या बोला तू? इंस्पेक्टर सर, दबा कोई, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये घर हराम है। इंस्पेक्टर, आप देख ये सब मैं करने जा रहा हूं, माफ करना इंस्पेक्टर, एक बहन भाई के प्यार का सवाल था। अरे तुम लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया प्रोफेसर, मैं तो वैसे भी उसे आधे घंटे में छोड़ने वाला था, हमें सिर्फ उसकी बहन की विदाई तक रोकने के ऑर्डर्स थे, अब वो कहीं वहां पहुंच गया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सनी भैया, विजय भैया की बहुत याद आ रही है। सब ठीक हो जाएगा मुन्नी, चलो।
अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। विजय, तुमने बहुत देर कर दी। मुन्नी तो चली गई, हम बारातियों को भी नहीं रोक सकते थे। अगर आज सनी नहीं होता तो न जाने क्या हो जाता। सनी, तूने जो भी किया अच्छा नहीं किया। सनी सनी बेटे, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। विजय की गिरफ्तारी का ये अंजाम मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी बहन को विदा करने के लिए बिन पानी की मछली की तरह वो हवालात में तड़प रहा होगा। आज तूने भी साबित कर दिया कि तुम मेरा खून हो। हमारा खून एक सा ही, लेकिन हमारी सोच और हमारे देखने के तरीके अलग अलग हैं। आप देख रहे हैं कि विजय जेल में तड़प रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक गरीब बहन इज्जत से विदा हुई है। प्रिया! प्रिया! विजय! विजय! प्रिया! मुझे यहां से ले चलो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। प्रिया, मैं भी तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। चलो। देखो प्रिया, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम इस लड़के के साथ नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी डैडी, मैं जाऊंगी। प्रिया, आप हमें नहीं रोक सकते। चलो प्रिया। प्रिया, 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 रुक जाओ प्रिया, प्रिया। हेलो। चली गई मेरी बहन, नहीं मिली मुझे। मैं जाने उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। बस इसी की कमी थी, हर एक का दिल तोड़ दिया तूने। अब मेरी बारी है सनी। मैं एक ऐसे दिल को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ जिसके टूटते ही तू खुद टूट जाएगा। किसकी बात कर रहा है तू कुत्ते? प्रिया, उसे मैं पुरानी हवेली ले जा रहा हूँ, उसकी इज्जत पर बदनामी का दाग लगाने। कभी नहीं, खबरदार जो प्रिया को हाथ भी लगाया तो बिजली और तूफान से खेलोगे, राख बनकर उड़ जाओगे। यू बास्टर्ड, सामना होगा तब ना। अरे सन्नी, तुझे नई नई गाड़ियां खरीदने का बहुत शौक है ना, उसकी लुटी हुई इज्जत खरीद के दिखा। बहुत प्यार करती हो ना, तो फिर कपड़े उतारो। मजाक कर रहे हो? मैं कहता हूं कपड़े। विजय, भैया, मैंने कहा कपड़े उतारो। पागल हो गए हो क्या विजय? ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें यहाँ प्यार करने नहीं, तुम्हें मिटाने लाया। विजय, छोड़ दो मुझे विजय, तुम्हें तुम्हारे दोस्त की कसम। विजय, वो दोस्त नहीं, दुश्मन है।
छोड़ दो इसे सनी। सनी को अपनी जीत से ज्यादा खुशी तेरी हार की है। अकेला कर दिया ना तुझे, अब पता चला अकेलेपन की तड़प कैसी होती है। ये ले, प्रिया और मेरे एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड। गुस्सा आ रहा है? बहुत गुस्सा आ रहा है ना? नो प्रॉब्लम, ये लो, गाड़ियां भी हैं, तोड़ते रहना, या तो फिर किसी एक में बैठकर पार्टी में जरूर आना।
हंसते हैं पल भर में रोते हैं, बेचैनी लेके अपना चैन खोते हैं। पल में हंसते हैं पल भर में रोते हैं, बेचैनी लेके अपना चैन खोते हैं। जो तन्हाई की यादों में सोते हैं, सच कहती हूँ वो ही सच्चे प्रेमी होते हैं। इस मोहब्बत में तो गम है रुसवाई है, हंस के सब सहता है, दिल तो सौदाई है। जो बिन समझे करेगा उसे पछताना होगा, मोहब्बत वो करेगा जो दीवाना होगा। क्षमा उसको मिलेगी जो परवाना होगा, प्यार कोई खेल नहीं है समझाना होगा। प्यार कोई खेल नहीं है समझाना होगा, मोहब्बत वो करेगा जो दीवाना होगा। क्षमा उसको मिलेगी जो परवाना होगा, वो करेगा जो दीवाना होगा। क्षमा उसको मिलेगी जो परवाना होगा। एक मिनट सनी, ये पहनने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मिस्टर विजय सक्सेना, मिस्टर सुनील गुजराल के जिगरी दोस्त। अब नहीं है, अब हैं गद्दार। इन्होंने ना सिर्फ इनको बल्कि मुझे भी जलील किया, मेरे खानदान की इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की, इसीलिए सबसे पहले इन्हें सजा मिलनी चाहिए। आपकी राय में इन्हें क्या सजा देनी चाहिए? इस महफल की रोशनी खत्म होने के साथ ही इसके जिंदगी में भी अंधेरा छा जाएगा, इसके लिए बस यही काफी है। ये काफी नहीं है, इन्हें मैं इसी रोशनी में सबके सामने भरी महफिल में सजा देना चाहती हूं। हो ना तुम, दिल तोड़ने में सजा देने में भी माहिर हो। ये लो, तोड़ दो इसका सर और साथ में मेरा दिल भी, यही सजा है हमारे लिए। ये क्या पागलपन है, सब लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? छोड़ो मेरा हाथ। क्यों क्यों छोड़ दूं? तुम तो मेरी इज्जत लूटना चाहते थे ना, मैं तो तुम्हारा काम आसान कर रही हूँ। उस दिन मैंने जो कुछ भी किया उसका मतलब था। क्या था? यही ना कि तुमसे नफरत करके इससे प्यार करने लग जाओ। उस दिन तुमने प्रोफेसर नाग से जो कुछ कहा मैंने सब सुन लिया। विजय, तुमने प्रिया के साथ अच्छा नहीं किया। आप गलत समझ रहे हैं। हाँ सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो सिर्फ एक ड्रामा था, उन दो दिलों को मिलाने का एक ड्रामा। सनी, प्रिया के बगैर जी नहीं सकता। और प्रिया तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। विजय, अब वो रह लेगी सर, क्योंकि मैंने उसके दिल से प्यार को निकालकर नफरत भर दी है। अब वो कभी मेरी तरफ देखेगी भी नहीं, और इसी में हम तीनों की भलाई और खुशी भी है। और उसी दिन मैंने ये तय किया कि तुम्हारे आंसुओं को इसकी आंखों में डालकर तुम्हारे सारे जख्मों का हिसाब चुका दूंगी, सारी दुनिया को बता दूंगी कि कौन दोस्त है, कौन गद्दार और कौन किससे प्यार करता है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम इसे गद्दार कहते हो ना, गद्दार ये नहीं, गद्दार तुम हो। इसने अपने अरमानों की लाश पर तुम्हारे प्यार का महल खड़ा करना चाहा, तो सिर्फ तुम्हारी दोस्ती की खातिर।
इतना बड़ा बलिदान कोई गद्दार नहीं, कोई वफादारी दे सकता है। और बदले में तुमने क्या दिया? नफरत, धुतकार, धोखा। मिस्टर सुनील गुजराल, नफरत के लायक तुम हो, धुतकार तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम दोस्ती और प्यार के नाम पर एक कलंक हो। प्रिया, प्रिया बेटे सुनो, कहाँ जा रही हो? प्रिया बेटे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अरे गद्दार ये नहीं, गद्दार तुम हो। तुमने एक भोली भाली माँ को धोखा दिया है, एक शरीफ बाप पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे बदनाम कर दिया, एक बहन के अरमानों का खून किया है। अरे तुम ना दोस्त बनने के लायक हो, ना बेटा बनने के लायक हो, और ना ही किसी का प्यार पाने के लायक हो। तुम्हें तो शर्म से जाकर डूब मरना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है तुम्हें। डॉक्टर, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसे। आपको क्या चाहिए? पैसा जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन मुझे मेरा बेटा लौटा दो। डॉक्टर आप बेफिक्र रहिए गुजराल साहब, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसके दिल पर कोई भी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, वरना नहीं, नहीं। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसे कोई सदमा नहीं पहुंचेगा। उसे हर वो चीज मिलेगी जो वो चाहता है। शंकर, बाबूलाल, खान कहां मर गए सब के सब? एक काम करो, अभी के अभी अर्जुन को जेल से छुड़ाने का इंतजाम करो, और उसे कहो उस हरामजादी प्रिया को उठाकर यहां ले आए। मिस्टर गुजराल, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रिया मेरी बेटी है, जरा जबान संभाल के बात। मिस्टर, तेरी उसी कमीनी बेटी ने मेरा यह अंजाम किया है। 15 साल के बाद मिला है मुझे मेरा बेटा, 15 साल के बाद। अब मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं, उसे खोना मेरी मौत है, और प्रिया को खोना उसकी मौत। लेकिन जब तक ये छिपकली का अंडा विजय जिंदा है, तब तक मौत हम बाप बेटों के सर पर मंडराती रहेगी। इसलिए पहले मैं तो उस अंडे को फोड़ूंगा, और हरामजादी लड़की को यहां उठाकर ले आना। मेरे बेटे की बीबी बनकर रहेगी तो ठीक, नहीं तो रखेल बनकर रहेगी। देखते क्या हो, उठाओ, फेंक दो बाहर से, फेंक दो। मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहा, जज से बात करो, और उस लड़की को लेकर यहां चले आना। अर्जुन तुम अचानक इतनी जल्दी कैसे छूट गया? अरे यार, ये तो सब गुजराल सेठ की मेहरबानी है। बदले उस साला कुत्ता कमीना गुजराल का नाम मेरे सामने, बहुत नाटक हो गया। बहुत साला 6 महीना जेल में मैं सड़ा, एक बार भी मुझे मिलने आया नहीं, आया ना। उस वक्त साले को मेरे से काम नहीं था, अब देख काम पड़ा तो कैसे अंतरी मंत्री को फोन करके झट से मुझे छोड़ा। हरामी है साला, एक नंबर का हरामी वो। अर्जुन, ये बात मैं तेरे को पहले बताने वाला था कि गुजराल ने हम लोगों को इस्तेमाल करके खुद इतना बड़ा आदमी बन गया, और हम लोग क्या, वही साले गुंडे के गुंडे। अर्जुन, जो काम गुजराल कर रहा है ना, अब वो काम हम शुरू कर देते, लाइफ सेट हो जाएगी दोस्त। ये काम इतना आसान नहीं है, गुजराल को कोई छोटा इंसान मत समझो, बहुत ताकत है उस साले के पास। गुजराल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी एक कमजोरी है, उसका बेटा। और बाप बेटे के बीच में क्या ड्रामा फिट करने का है, वो तो अर्जुन बहुत पहले से सोचकर बैठा है। बेड़ो, बहुत काम करना है रे, बहुत काम। और फिर
वो साली प्रिया और विजय का भी तो लंबा चौड़ा हिसाब किताब फिट करने का है क्या? प्रिया, प्रिया। ये क्या है? सिंदूर, सुहागन बनने का सपना जिसके बिना हर औरत अधूरी है। भर दो मेरी मां। सिंदूर, सिंदूर, सिंदूर! वहां पर मेरे दोस्त की जिंदगी और मौत का सवाल है और तुम्हें यहां पर सिंदूर की पड़ी है। इसी ठोकर मारकर तुमने न सिर्फ एक नारी की श्रद्धा बल्कि उसकी मां का भी अपमान किया है और मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगी। अपनी मांग मैं तुम्हारे नाम से खुद भर लूंगी। नहीं प्रिया, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम्हें मेरी कसम। तेरी कसम, मैं तेरी हो गई। ये सिंदूर नहीं, दोस्ती और भरोसे का खून है। मिटा दो, मिटा दो। खुद क्यों नहीं मिटा देते इसे? अगर उसको जिंदा रखना है तो इसे मिटाना ही पड़ेगा। आप इसे समझाइए, ये पागल पागल हो गई सर। हाँ, ये लड़की पागल हो गई है। तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है। तुमने पागल कर दिया इसे। हद हो गई विजय, हद हो गई तुम्हारी दोस्ती और इस लड़की के सब्र की। अरे तुम इसकी मांग से सिंदूर तो मिटा सकोगे, लेकिन क्या इसके दिल से अपने आप को मिटा सकते हो तुम? तुम्हें काम क्यों नहीं करते? खोल दो इसका गला और ये किस्सा यही खत्म कर दो। बच जाएगी बेचारी। कमान 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 केला। नहीं कर सकते ना विजय, ऐसे प्यार के लिए तो लोग तरसते हैं। तरसते हैं लोग, तुम उसे ठुकरा रहे हो। नहीं विजय, अपना लो इसे। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। बहुत नाइंसाफी है ये। ये मेरा डायलॉग था, तूने बोल दिया। चल ठीक है। और तू प्रोफेसर प्यारे लाल, अरे रो मत रे, इस लड़की को मेरे पास भेज। मैं सबका रोना धोना बंद कर दूंगा। प्रोफेसर, प्रोफेसर हट। अगर प्रोफेसर हट जाएगा तो तुझ जैसे विद्यार्थी को सही रास्ता कौन दिखाएगा? प्रोफेसर, मैं कहता हूँ हट जा। प्रोफेसर हद यार फेंक दिया। प्रोफेसर, प्रोफेसर हट।
मुझे माफ कर दो विजय, माफ कर दो विजय। गुजराल साहब, गुजराल साहब, तुम यहां क्या कर रहे हो? अरे गुजराल साहब, वो विजय, वो नीचे चलो। तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तो आपको सिर्फ ये बताने आया कि वो साली प्रिया बच गई, वो विजय और प्रोफेसर बीच में आए, उस प्रोफेसर को तो मैंने टपका दिया है, उस विजय को उसके दोस्त लोग ने हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये बात तुम फोन पर भी कह सकते थे, यहां आने की क्या जरूरत थी? कहीं सनी ने सुन लिया होता तो कसम हो जाता। एक काम करो, यहां से सीधा अस्पताल चले जाओ, उस हरामजादे विजय को खत्म करो और मुर्दा घर में डाल दो। बता अर्जुन, बता तूने विजय के साथ क्या किया? अरे मेरे को क्या पूछते बे? पूछना तो अपने बाप से पूछ, सारी बुराइयों का जड़ यही है। ये झूठ बोल रहा है, ये तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है सनी, मेरा इसका कोई संबंध नहीं, विजय को इसने मारा है। ए गुजराल, अरे बस रे, कितना झूठ बोलेगा तू? हाँ, हमेशा अपना गुनाह दूसरे के सर पर डालता है, ड्रग्स का कारोबार भी तो तू ही करता है, और जेल जाते हम जैसे स्टूडेंट सड़ने के लिए। अरे मेरा भी तो करियर तूने बर्बाद कर दिया, बहुत हो गया गुजराल, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। सनी, ये जो तेरा बाप दिखता है ना, वो साला है नहीं, खूनी है, साला स्मगलर है। अर्जुन! अरे चुप रे गुजराल, आज मुझे बोलने दे। ए सनी, आज तक मैं तेरी बाप की नाजायज औलाद था ना, अबे तू तो उसकी असली औलाद है, निपट ले। देखो बेटे, बेटे जो कुछ हुआ सब कुछ भूल जाओ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तुम जैसा कहोगे वैसे करूंगा। जवाब दो बेटे, कुछ तो जवाब दो मेरे बेटे। सर बेटे, देखो तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बेटे तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। अपनी चिता को अग्नि देने के लिए किसी और को तलाश कर लेना। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे, तुम घर छोड़ दोगे? दुनिया छोड़ दूंगा, मगर पहले हर वो दिल को छोड़ना है जिसे मैंने तोड़ा है। लेकिन वो लोग तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, कभी कबूल नहीं करेंगे, मार डालेंगे तुम्हें वो लोग। मंजूर है, हैवान के हाथों मरने से कहीं अच्छा है इंसान के हाथों मरना। नहीं बेटे नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और यहां से जाने भी नहीं दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा उन सबको, बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर गुजराल, भगवान जितना दयालु है उतना ही कठोर भी है, कभी कभी वो बेटे के हाथों बाप की मौत लिख देता है। हेलो सनी, अपुन के ऊपर हाथ उठाकर तूने बहुत बड़ा पंगा ले लिया रे, बात समझ में आई? नहीं ना, मैं समझाता हूँ। अरे यार वो क्या है इसकी, देखना, रामायण में रावण ने सीता का अपहरण किया था, यहाँ पर अर्जुन सीता का अपहरण कर रहा है। सीता कौन? अरे अपनी प्रिया यार। कभी नहीं, अगर प्रिया के जिस पर एक खराश भी आई ना, फाड़ के रख दूंगा तुझे, वो मेरी दोस्त की अमानत है। अच्छा, जो कल तक तेरा जानी दुश्मन था अब तेरा दोस्त बन गया, और आज तक जो तेरी महबूबा थी अब तेरे दोस्त की अमानत हो गई। वाह, क्या दोस्ती है यार। युपा,
प्रिया। प्यार है, गोलियों की बौछार से बचा ले आया तुझे। अब तो तू अपने आप को शेर समझता होगा ना। अरे लेकिन मैं भी किसी शिकारी से कम नहीं। ये देख, शेर के शिकार के लिए कैसे बकरी बांधी है मैंने। अब देखते हैं, मैं तेरी मौत हूं कि तू मेरी मौत है। नहीं, उस दिन का चैंपियन तू था ना, आज के चैंपियन हम होंगे। Thank you.
विजय। विजय बेटे नहीं गुजराल नहीं वही लोग पास मत आना मेरे हाथ मत लगाना मुझे तू बहुत बड़ा पापी है रे तूने मेरी माँ को मुझसे छीन दिया अब मेरे दोस्त को मुझसे छीनना चाहता है देख देख मैंने तेरे इरादों को नाकाम कर दिया तू हार गया गुजराल तू हार गया रे अपनी चिता को अग्नि देने के लिए किसी और को तलाश कर लेना देख बेटे तूने मुझे कहा पास नहीं आना मैं बैठ गया मैं पास नहीं हूंगा लेकिन मुझे छोड़कर नहीं जाना तू जैसा कहेगा वैसे मैं करूंगा लेकिन मुझे छोड़कर नहीं जाना आखिरी बार बोलता हूं प्लीज मुझे माफ कर दे मेरे बेटे सनी सनी ये क्या हुआ बेटे क्या कर रहे हो तुम मैं मेरे बेटे के साथ बात कर रहा हूं छोड़ दो मुझे मैं गुजराल हूं मेरा बेटा है वो सनी मेरा बेटा है सनी मुझे कहां ले जा रहे सनी तुम जाना नहीं मैं वापस आ रहा हूं सनी कहां ले जा रहे मुझे मैं वापस आ रहा हूं सनी सनी मैं वापस आ रहा हूं प्रिया 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 मेरे मरने के बाद मेरा दोस्त नहीं नहीं सनी मेरा दोस्त अकेला हो जाएगा उसे मेरी दोस्ती की कमी का एहसास कभी मत महसूस होने देना महसूस होने